नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल बाइनरी आइडियाज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप 10th और 12th पास कर चुके हैं तो आप किसी कोर्स के बारे में ज़रूर सर्च कर रहे होंगे, और अगर टेक्नोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको DCA कोर्स करना बेस्ट होगा। DCA कोर्स करने के बाद आपको जॉब मिलने के लगभग चांस मिल जाते हैं, और जो भी स्टूडेंट्स फ्यूचर में कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए DCA इज़ द बेस्ट ऑप्शन ऑफ द कंप्यूटर कोर्स। दोस्तों, वैसे तो मार्केट में बहुत से कंप्यूटर कोर्स हैं, जैसे वेब डेवलपमेंट, कोपा, जावा एंड CCC यानी कि CCC, लेकिन सभी में कोई ना कोई डिफरेंट ज़रूर होता है। ऐसे में सभी स्टूडेंट्स के लिए DCA बेस्ट कंप्यूटर कोर्स होता है। ये 6 मंथ का कोर्स है, लेकिन इंस्टीट्यूट में ये कोर्स 1 साल का होता है, जिनमें स्टूडेंट को कंप्यूटर को एडवांस नॉलेज दिया जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि DCA कंप्यूटर कोर्स क्या है। पहले DCA के बारे में समझते हैं। तो DCA का पूरा नाम डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है। ये एक 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक का कंप्यूटर कोर्स होता है, जिनमें कंप्यूटर से जुड़े सारे कोर्स आ जाते हैं। DCA कंप्यूटर कोर्स में आपको प्रोग्रामिंग, वेब डिज़ाइन, डेटाबेस के बारे में सिखाया जाता है। DCA कंप्यूटर कोर्स में सभी स्टूडेंट 10th और 12th के बाद कर सकते हैं, क्योंकि DCA सिर्फ एक डिप्लोमा कोर्स है। DCA कोर्स कंप्लीट करने के बाद किसी IT कंपनी में जॉब मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आपको वेब डिज़ाइन, डेटाबेस और प्रोग्रामिंग जैसे टॉपिक्स पर काम करना होता है। DCA कंप्यूटर कोर्स की फ़ीस के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर आपको 5,000 से लेकर 20,000 तक की फ़ीस देनी पड़ सकती है। दोस्तों, यह एक कंप्यूटर कोर्स है जो कि गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त कोर्स है, तो अलग अलग सेमेस्टर में आपको फ़ीस भरनी होगी। इसके बाद किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट IT कंपनी में जॉब मिल जाएगा और आप खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं कि DCA कंप्यूटर कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, पहला है C++ यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेकेंड है डेटाबेस, फिर है इंटरनेट एक्सप्लोरर, कंप्यूटर बेसिस, MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस एंड IT सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ई बिजनेस, सॉफ्टवेयर हैकिंग, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग, MS ऑफिस एप्लीकेशंस। ऐसे सभी टॉपिक्स पर DCA कंप्यूटर कोर्स में सिखाया जाता है। स्टूडेंट को कंप्यूटर के सभी बेसिक्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों, DCA कंप्यूटर कोर्स करने के बाद आपको जॉब में किस क्षेत्र में क्या जॉब मिल सकता है, तो चलिए बात करते हैं पहले जॉब के बारे में। तो पहला जॉब है दोस्तों डेटा एंट्री ऑपरेटर। आजकल डेटा एंट्री करके भी लोग अच्छे खासे पैसे कमाई कर रहे हैं। DCA कंप्यूटर कोर्स करने के बाद डेटा एंट्री में आसानी से जॉब मिल जाएगी और हर मंथ घर बैठे आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। डेटा एंट्री के लिए आपको कंप्यूटर्स का सारा ज्ञान होना जरूरी होता है, साथ में दो या तीन लैंग्वेज भी आपको आना चाहिए। दोस्तों, अब हम सेकेंड नंबर जॉब की बात करने वाले हैं। तो सेकेंड नंबर जॉब है वेब डेवलपमेंट। दोस्तों, वेब डेवलपमेंट की डिमांड प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में सभी को ज़रूरत होती है एक अच्छा वेब डेवलपमेंट बनने की। तो DCA करने के बाद आप वेब डिज़ाइन, वेबसाइट को बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर पर काम कर सकते हैं और वेब डेवलपमेंट भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग थर्ड नंबर जॉब की बात करने वाले हैं, जो है ग्राफिक डिज़ाइनर। दोस्तों, आपने देखा होगा सभी जगहों पर कंप्यूटर द्वारा ग्राफिक डिज़ाइन कर रहे हैं, तो लोग कहीं ना कहीं फोटोशॉप यूज़, एल्बम डिज़ाइन एंड प्रिंट डिज़ाइन कर रहे हैं। ऐसे में कंप्यूटर में फ़ोटोशॉप का उपयोग करके लोग अच्छी ग्राफिक डिज़ाइन करवा रहे हैं। DCA कंप्यूटर कोर्स के बाद ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों, फोर्थ नंबर है साइबर कैफ़े, यानी कि अगर आप DCA करने के बाद इंटरनेट का उपयोग करना चाहते हैं तो साइबर कैफ़े भी अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इंटरनेट के सारे काम आप साइबर कैफ़े की हेल्प से करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर हम 5th नंबर जॉब की बात करें तो वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दोस्तों, DCA के बाद आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन सकते हैं या किसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। DCA के बाद आपको वेब डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग सब सिखाते हैं, तो आप आसानी से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT। दोस्तों, सेकेंड है PC पैकेज एंड MS ऑफिस। थर्ड है
DBMS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। फोर्थ है DTP यानी कि पेज मेकर एंड फोटोशॉप एंड कोरल ड्रॉ। फाइव नंबर है प्रोग्रामिंग इन विजुअल बेसिक। सिक्स नंबर है फॉक्स प्रो इंटरनेट वेब डिज़ाइन पेज। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।